अब हिप ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, सिर्फ 90 तक ही रखना है, वरना अगर आप यहां हाथ नहीं लगाओगे तो हिप और पीछे जाएगा, तो हिप को पीछे नहीं भेजना है। तो बोले आप क्या करना है, बोले एक हाथ यहां लगाओ, बस एक हाथ लगा के इसको 90 पर रोक के रख लो, ये आपका 90 एंगल हो गया, इसको 90 पर रोक के रख लो, और एक हाथ यहाँ एंकल पे लगा के इसको ऊपर उठाओ, यानी मैं बोलूं तो लेग को सीधा करो, ये आपका हिप ज्वाइंट हो गया, ये आपका नी ज्वाइंट हो गया। मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, लेग को सीधा करने की बोल रहा हूँ कि लेग को अब आप सीधा करो। जैसे ही आप सीधा, देखो 90 तक तो उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, इतने पे नहीं, जैसे आप यहां तक भी पहुंचोगे ना, यहां तक पेशेंट को इतना हैवी पेन होगा, बोले कहां पेन होगा, हैमस्ट्रिंग में पेन होगा, इधर इधर हैमस्ट्रिंग में पेन होगा पेशेंट को। अब मुझे बताओ, ये टेस्ट मैं फिर से रिवाइज करवाता हूँ, क्या पेशेंट को लेटाया, हिप जॉइंट पे 90 डिग्री रखा, ठीक है, फिर एक हाथ यहाँ रखो जिससे फर्दर एंगल पे ना जाए, इसको 90 पे रख के दूसरा हाथ एंकल पे रखा, अब इसको धीरे धीरे ऊपर ले जाओ, लेकिन ये याद रखना आप इसको ऊपर ले जा रहे हो, पता चलो हिप जॉइंट पीछे जा रहा है, पीछे नहीं जाना चाहिए, ये लाइन में ही रहना चाहिए, बस ये ऊपर जाए, ये पेशेंट अगर नॉर्मल पेशेंट होगा ना, आप अपने करके देख लो, आप पूरा पैर सीधा कर लोगे, आपको तकलीफ नहीं होगी, मगर ये पेशेंट थोड़े बहुत इतने पर ही इतने भयंकर हैवी पेन में चिल्लाने लग जाएंगे, और बोलेंगे नहीं हैमस्ट्रिंग में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ हैमस्ट्रिंग में दर्द हो रहा है, खींच हैमस्ट्रिंग में टाइटनेस, पूरी दर्द फील हो रहा है, इसको बोलते हैं गर्निक्स साइन। क्लियर, किसको क्लियर नहीं है फिर से बताऊं, इससे होता क्या कर्निक साइन से सर, कर्निक साइन से जैसे ही पेशेंट को पेन तो फील होगा, चलो वो हमें समझ आ गया कि पेशेंट को पेन फील होगा क्योंकि लंबर रूट स्ट्रेच हो रही होती है, ठीक है, लेकिन कहाँ पेन होगा, हैमस्ट्रिंग में पेन होता है, ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि ड्यूरिंग मेनिंजाइटिस क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन इन पैसिव एक्सटेंशन एट द नी, जो आपका नी होता है ना, ये आपका क्या है, ये आपका जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है ना, इस पे जो नर्व सप्लाई कर रही होती है, जो नर्व रूट सप्लाई करती है, वो इरिटेट हो जाती है ड्यूरिंग मेनिंजेस, क्या होने लग जाती है, वो इरिटेट होने लग जाती है, याद रखना हैमस्ट्रिंग की, किसकी, हैमस्ट्रिंग की मसल, ड्यूरिंग मेनिंजाइटिस हेड रेस्ट्रिक्शन पैसिव एक्सटेंशन एट द नी, यहाँ पे पैसिव ही तो आप खुद ही तो कर रहे हो, वो कर रहा है क्या, तो आप जब पैसिव रेस्ट्रिक्शन करोगे तो आपको क्या फील होगा, आपको एक रेस्ट्रिक्शन फील होगा इन पैसिव एक्सटेंशन एट द नी, क्यों, बिकॉज ऑफ स्पाज्म ऑफ दी हैमस्ट्रिंग मसल, जब आप उसको पैसिवली ऊपर करोगे तो पेशेंट को पेन फील होगा, क्यों, क्योंकि हैमस्ट्रिंग में स्पाज्म फील होगा, क्यों फील होगा, क्योंकि जो हैमस्ट्रिंग की नर्व है, जो हैमस्ट्रिंग की नर्व रूट्स है, वो इरिटेट हो रही है ड्यूरिंग मेनिंजाइटिस, जब भी मेनिंजेस होता है पेशेंट को, तो जो क्या होता है पेशेंट को मेनिंजेस होने पर, जो उसकी नर्व रूट है वो बहुत ज्यादा इरिटेट होती है, ध्यान रखना स्पेशली, मैं स्पेशली किसकी, हैमस्ट्रिंग की, तो जब भी आप कर क्या रहे हो, आप उसको अगर खींच रहे हो तो आप नर्व रूट्स को खींच रहे हो, जैसे ही खींचते हो पेशेंट को हैवी पेन फील होता है, तो एक बहुत बड़ा साइन होता है कर्निक साइन। कुछ एसोसिएट न्यूरोलॉजिकल साइंस देखने को मिलते हैं क्या, क्रेनियल नर्व साइंस, आप क्रेनियल नर्व तो आप समझते ही हो, 12 हमारी क्रेनियल नर्व है, तो वो भी, अब अगर देखो सीधी सी बात है, अगर पेशेंट देखो मेनिंजेस है ब्रेन में हो और स्पाइनल कॉर्ड में भी, तो मेनिंजेस ही होता है, तो सारे सिम्टम दोनों के दिखेंगे, दोनों के, तो कर्निक साइन किसका रहा, स्पाइनल कॉर्ड का ही तो रहा, नर्व का, नर्व तो स्पाइनल कॉर्ड में ही तो हुई और कहाँ हुई, और क्रेनियल नर्व भी स्पाइनल कॉर्ड का ही हुआ कि नहीं हुआ, कि क्रेनियल नर्व रन कर रही है, तो 15% केसेस में क्रेनियल नर्व, सीजर्स मिल सकते हैं या तो लोकलाइज मतलब कोई एक पॉइंट पे, या जनरलाइज पूरी बॉडी में, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तो गिरेगा ही, सेंसो, ये बहुत अच्छे वर्ड का है, सेंसो और ही न्यूरल डेफनेस मिलेगा 20% लोगों में, इसका मतलब होता है क्या, हियरिंग लॉस, डैमेज टू द इनर ईयर, इनर ईयर नर्व, जो इनर ईयर होता है ना उसकी जो नर्व सप्लाई, क्योंकि ब्रेन पे जा रही होती है, और मेनिनजाइटिस इन्फेक्शन उसको भी, जो इनफेक्ट उसको भी पकड़ लेता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेशेंट अंधे भी होते हैं, क्यों, क्योंकि जो इनर ईयर में नर्व सप्लाई कर रही होती है वो भी डैमेज होती है, प्लस एफ्लुइडियोमा जो ऑप्टिक नर्व होती है वो भी डैमेज होने लग जाती है, तो पेशेंट आगे चल के मेनिनजाइटिस ठीक नहीं कर रहा, तो बहरे अंदर सब होने लग जाते हैं, फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस मतलब क्या, फोकल पॉइंट पे अगर कोई चीज खराब हो, हेमिपेरेसिस देखने को मिलता है, एक साइड की बॉडी में वीकनेस, डिस्फेसिया यानी क्या, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, हेमियनोपनिया यानी क्या, लॉस ऑफ विजन, और प्लस पेप्लियोडियोमा, पेप्लियोडियोमा तो आप जानते हो क्या, ड्यू टू हाई प्रेशर आई, आपकी आई और ऑप्टिक नर्व स्वेल अप हो जाती है, ठीक है,
हेमी एनोपनिया, इसको पूरा अच्छे से समझा रहा हूं। देखो हेमी एनोपनिया ये होता है कि आपकी आई का हाफ विजुअल फील्ड चला जाता है, आपकी आईज का हाफ विजुअल फील्ड चला जाता है। अब मैं आपसे इसको देखो समझाता हूं, अच्छे से समझने की कोशिश करता हूं। ये आपकी आई है, ये आपकी राइट वन है, ये आपकी लेफ्ट वन है। आप हमेशा अगर आप अपनी आंखों से देखो तो आपकी, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपनी अपना फेस बिल्कुल सीधे रखो, मैं आपसे बोल रहा हूँ फेस सीधे रखो, मगर फेस सीधे रख के इधर इधर वाले फील्ड को देखने की कोशिश करो, फेस सीधे रख के इधर वाले फील्ड को। तो बोले कैसे देखोगे इधर वाले फील्ड को, मुझे बताना एक बार। ये मेरा लेफ्ट है, ठीक है, लेफ्ट है ना मेरा ऐसा। अब मैं सामने हूँ, इधर वाला फील्ड देखू तो मेरी ये वाली आंख का कौन सा वाला पार्ट इधर देख रहा है, कौन सा वाला, इधर। अगर मैं इस आंख को दो में डिवाइड कर दू तो बोले इधर वाला, लेटरल वाला, मीडियल वाला नहीं, लेटरल वाला मेरा इधर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी लेफ्ट आई का मेरा ये लेटरल वाला, मीडियल वाला रिस्पॉन्सिबल नहीं है इधर देखने के लिए, सिर्फ लेटरल वाला है। और बोले राइट आई का ये वाली आंख, अगर ये वाली आंख मैं बोलूं इधर देखने को तो इधर वाली आंख का मीडियल वाला, इधर वाला मीडियल वाला हिस्सा, बोले लेटरल वाला नहीं होगा रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, क्लियर हो गया, खुद करके देखो। अब इसको अगर उल्टा कर दो, मैं इधर देखने का बोलूं, इधर देखने का बोलूं, तो जो मेरी राइट आई है उसका लेटरल वाला देखेगा, मीडियल वाला नहीं देखेगा, और जो मेरी लेफ्ट आई है इसका मीडियल वाला देखेगा, लेफ्ट लेटरल वाला नहीं देखेगा। ये आपकी आंखें इसी तरीके से देखती है, हमेशा याद रखो। जब भी एक साइड देखते हो ना तो ये आपकी आंखें चार, वैसे मैं अभी दो क्वाड्रेंट में बता रहा हूँ, वैसे चार क्वाड्रेंट में डिवाइड होती है, ठीक है। तो दो क्वाड्रेंट क्या, कि ये वाला इसका अगर मैं आधा कर दूं तो ये इधर वाला, जब मैं इधर देखूंगा तो इसका आधा वाला ऐसा ही बाहर के लिए, बाहर वाला ही देखेगा, अंदर वाला नहीं देखता, अंदर वाला नहीं देख पाता। और मैं ये वाली देखूं तो इस वाली आंख का अगर मुझे इधर देख रहा है तो इसका अंदर वाला, इसका बाहर वाला नहीं। तो इसमें इन पेशेंट में एक तरफ का विजन चला जाता है, यानी क्या, अगर पेशेंट या तो लेफ्ट साइड नहीं देख पाएगा या राइट साइड नहीं देख पाएगा। अगर वो लेफ्ट साइड नहीं देख पाएगा तो इसका मतलब क्या है कि उसकी लेफ्ट आई का जो मीडियल वाला है, जो क्या बोलते हैं लेफ्ट आई का है, तो वो उसमें लेटरल वाला पार्ट गया और राइट आई का मीडियल वाला पार्ट गया, इसलिए वो लेफ्ट साइड नहीं देख पाएगा। और मैं बोलूं राइट साइड नहीं देख पाएगा तो बोले लेफ्ट आई का उसका मीडियल वाला चला गया और राइट आई का आपका लेटरल वाला चला गया, तो वो आपका लेफ्ट राइट साइड नहीं देख पाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन, ठीक है। तो क्या क्या, हेमी एनोपिया मैंने बता दिया, पैप्लियोडियोमा क्या होता है, हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है आपकी आई में, जिसकी वजह से आपकी ऑप्टिक नर्व डैमेज होने के चांसेस होते हैं, यानी आप अंधे हो सकते हो, ठीक है। हाइड्रोसेफेलस में भी एक पॉइंट ये पढ़ के आई है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है प्लीज वो हाइड्रोसेफेलस जाके पढ़ना। ये लिखा है डिक्रीज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, वो तो कॉमन सी बात है ना, के लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तो ऑटोमेटिक गिरेगा ही पेशेंट का। मैंने बोला ना नोजिया वोमिटिंग ये सब तो कॉमन पॉइंट है, ये तो लिख के ही आने हैं। जो एक्सट्रीम है उनको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, उनमें आपको कोई ना आपको वहां लिखने में समझौता करना ना मैं आपको बता देना करूंगा, एक एक वर्ड का मतलब समझाऊंगा, मगर याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो भी सिम्टम्स थे ये कौन से थे, बोले वो तो थे न्यूरोलॉजिकल, के ब्रेन के लेवल पे क्या हुआ। अब कुछ ऐसे सिम्टम्स जो ब्रेन के लेवल पे नहीं होंगे, नहीं होंगे मतलब सर फिर ये ब्रेन की वजह से बॉडी में क्या दिखेंगे, अगर मेनिनजाइटिस तो ब्रेन में हो रहा है, उसकी वजह से बॉडी में क्या क्या दिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट शॉक, क्योंकि ब्रेन में कभी भी कुछ भी हो शॉक सबसे पहले लगता है। बहुत सारे शॉक होते हैं, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है, सब कुछ होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन शॉक इसमें लगता है वो होता है सेप्टिक शॉक, याद रखना है। कौन सा शॉक, सेप्टिक शॉक। बोले ये क्या होता है सेप्टिक, अ वाइड स्प्रेड इंफेक्शन कॉजिंग ऑर्गन फेलियर एंड डिक्रीज्ड लो ब्लड प्रेशर। इसलिए आपके पास ऐसा पेशेंट आएगा कि एकदम कि जिसको मेनिनजाइटिस था, बोलेगा सर एकदम आप उसका वाइटल लोगे, हाई बीपी लोगी, अच्छी खासी बीपी लोगी, और बहुत सारे और ऐसे उसको तकलीफें हो रही होगी, तो आप समझ जाओगे अच्छा
पेशेंट में वो ट्राइड भी दिख रहा है, बीपी लो भी हो रही, तो बीपी लो इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेनिनजाइटिस, याद रखना है। तो उसके लिए आपको भी तैयार रहना पड़ेगा। इसमें सेप्टिक शॉक सबसे ज्यादा मेनिनजाइटिस में लगने के चांसेस होते हैं। सेप्टिक शॉक का मतलब होता है कि ये इतना वाइड स्प्रेड है, अगर कोई बॉडी में कोई भी वाइड स्प्रेड बैक्टीरिया अगर फैल जाए, सेप्टिक शॉक ऐसे नहीं मेनिनजाइटिस की वजह से होता है, कोई भी वाइड स्प्रेड बैक्टीरिया अगर पूरी बॉडी में फैल जाए तो वो ऑर्गन फेलियर करा देता है बहुत सारे, ठीक है, ऑर्गन फेलियर करा देता है, बीपी को बहुत लो करा देता है, उसे बोलते हैं सेप्टिक शॉक। तो मेनिनजाइटिस सेप्टिक शॉक करवा देता है। कोगुलेशन डिसऑर्डर, दैट इज डीआईसी, जानते होगे, ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी बोलते हैं, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, क्या डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, बोले क्या होता है ये चीजें, बोले इसमें अगर ये आपको हो गया तो क्या करेगा कि आपके बॉडी की जो एबिलिटी होती है ना क्लॉट बनाने की और ब्लीडिंग को रोकने की, वो खत्म हो जाती है। तो उससे क्या होगा, फिर बॉडी में जगह जगह हेमरेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, ब्लड वेसल रप्चर होंगी, फटने लग जाएंगी। तो मेनिनजाइटिस में कोगुलेशन डिसऑर्डर्स भी होना स्टार्ट हो जाते हैं। डीआईसी मोस्ट कॉमन है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन अफेक्ट द बॉडी एबिलिटी टू क्लॉट एंड स्टॉप ब्लीडिंग, ठीक है। दो चीजें शॉक, थर्ड वन है इन अप्रोप्रिएट सिक्रेशन ऑफ एडीएच। एडीएच क्या होता है, एड्रेनोमेड्यूलिन, ये क्या होता है, ये वैसो रिलैक्सेंट पेप्टाइड है, ये कार्डियोवास्कुलर होमोस्टेसिस को मेंटेन करके रखता है और इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स को, क्या 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 मैंने बोला, एड्रेनो मेड्यूलिन, एड्रीनो मेड्यूलिन, बोले ये करता क्या है सर, ये अगर इसको रिलीज कराता है तो बोले अगर ये बॉडी, ये एक तरीके का वैसो रिलैक्सेंट पेप्टाइड है, पेप्टाइड यानी प्रोटीन, वैसो रिलैक्सेंट पेप्टाइड होता है जो हमारे बॉडी की कार्डियोवास्कुलर होमोस्टेसिस है ना, हमारे हार्ट, हमारा हार्ट मेंटेन है, होमोस्टेसिस तो मेंटेन है खुद से, तो और प्लस हमारे बॉडी में जो इंफ्लामेटरी प्रोसेस कितनी होनी है, कितनी चलने चलिए, वो भी तो मेंटेन है। अगर इन अप्रोप्रिएट सिक्रेशन होगा तो आपके हार्ट की जो होमोस्टेसिस है वो बिगड़ जाती है, प्लस एबनॉर्मल इन्फ्लामेशन बॉडी में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये एक रीजन हो गया, यानी कितनी खतरनाक चीज हो गई। फोर्थ वन एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकाइटाइटिस, नाम से समझ रहा है, एंडोकाइटाइटिस यानी क्या, इन्फ्लामेशन ऑफ द हर्ट्स इनर लाइनिंग, यूजुअली द इन्वॉल्व हर्ट वॉल्व, हार्ट की इनर लाइनिंग पे भी इंफेक्शन बहुत कॉमन पहुंच जाता है, ध्यान रखना। एंडोकाइटिस मेनिनजाइटिस करा सकता है और मेनिनजाइटिस एंडोकाइटाइटिस करा सकता है, क्योंकि मैं पहली बता चुका हूं, लंग्स हार्ट और ब्रेन बढ़िया एक दूसरे से घूमते फिरते रहते हैं, चीजें इनकी बहुत एक दूसरे में घूमती फिरती हैं। तो एंडोकाइटिस भी बहुत बड़ा रीजन होता है सेकेंडरी मेनिनजाइटिस कराने का, ठीक है, और मेनिनजाइटिस एंडोकाइटाइटिस करा देता है, हार्ट वॉल्व का इंफेक्शन करा देता है। और आर्थराइटिस तो आप समझते हैं कि अगर वो इन्फ्लामेशन ज्वाइंट्स तक पहुंच जाए तो आर्थराइटिस भी इवन कॉज करा सकता है। पांच पॉइंट याद रखना है, शॉक यानी सेप्टिक शॉक, कोगुलेशन डिसऑर्डर यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर, दैट्स इट, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, इन एप्रोप्रिएट सीक्रेशन ऑफ एड्रेनोमेड्यूलिन जो क्या है, कार्डियोवास्कुलर होमोस्टेसिस और इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को बिगाड़ देगा, एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकाइटिस यानी क्या, हर्ट की इनर लाइनिंग यानी हमारे हर्ट वॉल्व को बिगाड़ देगा, और आर्थराइटिस यानी जॉइंट में इंफ्लामेशन कॉज करा देगा, इट इज अ नॉन न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन। ये सब कॉम्प्लिकेशन है याद रखना, ये सब देखने को नहीं मिलती एक मेनिनजाइटिस में, मतलब याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब जनरली नहीं देखने को मिलती, जब मेनिनजाइटिस की कॉम्प्लिकेशन होना स्टार्ट हो गई तो ये फिर वो बॉडी में ये सारी तकलीफें करना स्टार्ट करती थी, ठीक है। क्या क्या कॉजेटिव बैक्टीरिया हो सकता है ये तो आपको याद करने हैं। अगर हीमोफिलिस मेनिनजाइटिस है, ये बच्चों में होता है, और ये किसके थ्रू चढ़ता है, ये वैसे तो मैंने बोला ना जितने भी लंग्स वाली चीज है वो सब, ये वैसे तो हीमोफिलिस मेनिनजाइटिस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन कराता है, मगर मैं फिर बोल रहा हूं चाहे लंग्स का इंफेक्शन हो कोई भी हो, इजिली ब्रेन तक पहुंच जाता है, कराता तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन है मगर ये ब्रेन तक पहुंच जाता है, कौन सा, हीमोफिलिस मेनिनजाइटिस, ठीक है, बच्चों में होता है। ये क्या है, बैक्टीरिया के लिए कुछ स्पेसिफिक पॉइंट लिखे हैं, तीन बैक्टीरिया लिखे हैं जो मोस्ट कॉमन होते हैं, इनमें आपको क्या देखने को मिलता है, ये एक तरीके का क्या डायग्नोस हो गया कि आपने ये तो डायग्नोस कर लिया, अच्छी बात है मेनिनजाइटिस है, मगर आपको अगर ये भी याद है तो आप ये भी बोल दोगे अब कि अच्छा ये मेनिनजाइटिस जो हो रहा है वो पर्टिकुलर इस बैक्टीरिया की वजह से होता है, क्योंकि हमें पता है ये बैक्टीरिया ऐसे ऐसे करता है। अगर आपको दिख रहा है मेनिनजाइटिस है और साथ साथ में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है और साथ साथ में बच्चा भी है, तो आप बोल सकते हो अच्छा ये हीमोफिलिस मेनिनजाइटिस बैक्टीरिया करा सकता है। वहीं मैं बोलूं मेनिनजाइटिस है साथ साथ में सेप्टिसीमिया यानी पस फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक
ठीक है, अर्थलेजिया हो रहा है, अर्थलेजिया का मतलब क्या, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, पर्प्यूरिक स्किन डिसीज में दिखा चुका था, और इवन डीआईसी यानी हेमरेज ब्लड वेसल्स रप्चर हो रही है, तो आप बोल सकते हो अच्छा ये मेनिंगोकोकल है, क्योंकि मेनिंगोकोकल का सबसे बड़ा साइन है पर्प्यूरिक स्किन डिसीज। सेप्टिसेमिया यानी इंफेक्शन पस दिख रहा है, जॉइंट में पेन हो रहा है, अर्थलेजिया, पर्प्यूरिक स्किन डिसीज दिखा चुका हूं, डीआईसी यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लड वेसल रप्चर्स हो रही है, हेमरेज दिख रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि अच्छा ये जो मेनिंजाइटिस है मेनिंगोकोकल की वजह से हो रहा है। वही मैं बोलूं कि मेनिंजाइटिस एडल्ट में हो रहा है, और देखो कितने अलग पॉइंट है, ये पॉइंट एक भी दूसरे में मैच नहीं कर रहा है, अगर आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल, इसलिए तो इनको याद करना होता है, ये बिल्कुल स्पेसिफिक है, जहां चीजें स्पेसिफिक हो जाती है वो आनी ही चाहिए आपको। अगर नीमोकोकल की वजह से हो रहा है तो वो एडल्ट में होगा, प्लस सीजर्स दिखेंगे, और सबसे बड़ी चीज आप सीएसएफ लंबर पंचर से सीएसएफ निकालेंगे ना, उसमें आपको प्रोटीन बड़ी दिखेगी, ठीक है, प्रोटीन बड़ी दिखेगी सीएसएफ लंबर पंचर करके निकालेंगे, क्योंकि सीएसएफ क्यों निकालेंगे, क्योंकि मेनिंजेस के बगल में ही तो सीएसएफ चलता है, तो मेनिंजेस का सारा इन्फेक्शन सीएसएफ में तो आ ही जाएगा, तो सीएसएफ में सब इन्फेक्शन आ जाएगा, सीएसएफ से आप पता कर लेंगे, तो सीएसएफ में प्रोटीन मिलेगी, और कोमा में पेशेंट जा सकता है, तो आप बोल सकते हैं न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस की वजह से आपको हो रहा है, ठीक है। ये ऐसी चीज है बिल्कुल अच्छे से याद, और याद होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे आप खुद बोल सकते हैं, सीटी स्कैन करा लो, सीटी स्कैन में क्या आपको, अगर आपका लॉस ऑफ कॉन्शियस अल्टर्ड है तो आपको फोकल साइज दिख जाएंगे कि ब्रेन के किस पार्ट में क्या प्रॉब्लम हो रही है, पैप्लियोडिमा दिख जाएगा कि स्वेलिंग हो रही है, आई के आसपास ऑप्टिक नर्व दब रही है, सीजर्स आ रहे हैं तो वो दिख जाएंगे, ब्लड कल्चर, देखो ब्लड कल्चर तो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होता है, वो तो आप पहले ही करा लोगे सबसे पहले, उसमें आपके डब्ल्यूबीसी बड़े दिख जाएंगे, तो तुरंत आप बोल दोगे अच्छा कि डब्ल्यूबीसी बड़े, और डब्ल्यूबीसी में भी कौन सा चारा बड़े होंगे, न्यूट्रोफिल्स की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वही चलाते हैं, तो आप बोल दोगे अच्छा डब्ल्यूबीसी में हमारे डब्ल्यूबीसी बड़े हुए हैं, सीबीसी में कंप्लीट ब्लड काउंट में, इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है। मैं आपको ये भी बोलूँ, अगर आपको सीबीसी नहीं पढ़ने आती तो यूट्यूब पे जरूर जाना, मैंने डायग्नोस्टिक रिपोर्ट में सीबीसी पढ़ना सिखाया है। देखो सीबीसी ऐसे हर कोई पढ़ लेता है बगल की वैल्यू देख के, मगर एक प्रॉपर आप डॉक्टर की तरीके से कैसे पढ़ना है, तो मेरे चैनल पे जाना हो जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको मैं प्रॉपर एक चीज बताई है कि आरबीसी, अगर आरबीसी कम है, हीमोग्लोबिन ज्यादा है, क्या कैसे है, वो भले वैल्यू ऊपर नीचे लेकिन आपकी बॉडी ने कंपनसेट कर रखा है कि नहीं, वो बहुत अच्छे से उसको क्लियर जरूर करना। तो लाइफ में आपके कभी भी हाथ में सीबीसी आता है, आप ऐसा डॉक्टर की फॉर्म में बता दोगे कि अच्छा भले वैल्यू ऊपर ज्यादा हो रही है, मगर आपकी बॉडी ने उसको कंपनसेट कर लिया है कि नहीं, कि आपको उससे प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं, आप ये बता दोगे, ये गारंटी है। ब्लड कल्चर, लंबर पंचर, लंबर पंचर हमको पता है किस पे, L1 L2 रीजन पे करते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर स्पाइनल कॉर्ड खत्म होकर कॉर्ड एक कोना चालू हो जाती है, तो हम क्या करते हैं वहां से सीएसएफ निकाल लेते हैं, और उससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया है और क्या सब सारी चीजें, ठीक है। फेवर साइंस आर अब्सेंट, पैप्लियोमा और ये सब नहीं मिल रहे हैं, और आपको लगता है कोई मास लीजन हो सकता है, तो आप लंबर पंचर करा लीजिए। ये तो सेकंड ईयर माइक्रो में पढ़ा होगा, लेटेस्ट एक ल्यूटेशन टेस्ट से ये पता चल जाता है कि कौन से बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, ठीक है, और डायग्नोस कंफर्म करने के, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि सीएसएफ अगर आप निकालोगे तो आपको सीएसएफ में क्या क्या देखने को मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो सीएसएफ में आपको प्रेशर बड़ा मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि इंट्राक्रैनियल प्रेशर बड़ा हुआ है, चीज इन्फेक्शन फैल रहा है, पस है, प्लस जगह बना रहे, तो मगर लेस देन 300 mm होना चाहिए, ठीक है, प्रेशर बड़ा मिलेगा, सेल काउंट एलिवेटेड मिलेंगे, सेल काउंट में भी अगर आपसे कोई पूछे तो जनरली इसनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, सबसे बड़े चीज तो न्यूट्रोफिल्स, कौन से न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा बड़े मिलेंगे, लिम्फोसाइट्स बड़े मिलेंगे, इसनोफिल्स बड़े मिलेंगे, ग्लूकोज का लेवल डाउन होता है क्योंकि बैक्टीरिया वहां पर बहुत ज्यादा है, तो वो वहां पर उस ग्लूकोज को कंज्यूम्ड कर रहा है, इसलिए सीएसएम में ग्लूकोज का लेवल डाउन मिलेगा। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंजाइम लैक्टिक डिहाइड्रोज, ये एंजाइम क्या होता है, ये बैक्टीरिया रिलेटेड एंजाइम होता है, इसलिए एंजाइम की वैल्यू बड़ी मिलती है, एंजाइम लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस, ये कितने, अब देखो पांच, एक पॉइंट और स्पेशल याद रखना कि प्रोटीन भी बड़ी मिलती है, प्रोटीन भी इंक्रीज मिलती है, यानी सीएसएफ में मैंने पांच पॉइंट पढ़े कि प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है जो 300 mmHg से कम होगा, लेकिन सेल काउंट में न्यूट्रोफिल्स वगैरह बहुत ज्यादा बड़े मिलेंगे, लिम्फोसाइट्स वगैरह, ग्लूकोज कम मिलता है, बैक्टीरिया रिलेटेड एंजाइम होता है दैट इज लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस, वो भी बड़ा मिलता है, प्लस प्रोटीन भी बड़ी मिलती है, किसमें, जब आप सीएसएफ निकालेंगे तो, ठीक है।
अगर वहीं में सीरो कल्चर इम्यूनो कल्चर टेस्ट वो कब करा जाता है, वो सीएसएफ में बैक्टीरिया देखने के लिए पता करा जाता है कि सीएसएफ में कौन सा बैक्टीरिया, ये मेनिंजाइटिस कौन से निमोकोकल की वजह से हो रहा है, कि मेनिंगोकोकस किसकी वजह से हो रहा है, तो उसे बोलते हैं सीरोलॉजिकल इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट। इम्यूनोलॉजिकल क्यों बोले, क्योंकि सीएसएफ के अंदर कर रहे हैं। वही ब्लड कल्चर करेंगे, ब्लड कल्चर में क्या, ब्लड कल्चर में ये पता चल जाएगा कि वो जो इन्फेक्शन है वो ब्रेन में ही है कि बॉडी के थ्रू ब्रेन में पहुंचा। क्योंकि जब ब्लड कल्चर करोगे अगर वो टेस्ट, अगर वो बैक्टीरिया ब्लड में मिल गया तो आप ये बोल दोगे अच्छा ये कहीं ना कहीं इन्फेक्शन बॉडी में था जो ट्रेवल करके ब्लड के थ्रू ब्रेन में पहुंच गया। तो ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड 80% केसेस ये, जैसे हीमोफिलस मेनिनजाइटिस। हीमोफिलस यानी क्या, हीमोफिलस ये ऐसा बैक्टीरिया है जो जनरली ब्लड में ही मिलता है, हीमोफिलस, और ये ब्लड के थ्रू ब्रेन में जाता है, नाम में ही लिखा है हीमोफिलस, और ये कॉज करा देता है मेनिनजाइटिस। तो ब्लड कल्चर में ये आसानी से मिल जाता है और आप बता देते कि अच्छा हीमोफिलाइटिस मेनिनजाइटिस के साथ आपको मेनिनजाइटिस हो रहा है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट में आपको देखो कुछ नहीं, नॉर्मल सी चीजें याद कर लो, एंटी डायबिटिक हार्मोन्स, वो एंटी डायबिटिक हार्मोन्स वगैरह, इन सबका, इन सबका लेवल वगैरह, चेस्ट एक्सरे, स्कल। अब देखो एक्सरे तो आपको करानी है, स्कल एक्सरे और साइनस एक्सरे इसलिए कराते हैं क्योंकि फेस का इन्फेक्शन तो नहीं ऊपर पहुंच गया उसके लिए, ठीक है। ट्रीटमेंट में आपको सिर्फ और सिर्फ नाम याद करने, और ये पूरा वही ट्रीटमेंट है जो मैंने सीएनएस इन्फेक्शन में समझाया है, जो मैंने ब्रेन एब्सेस में समझाया है, ठीक है, ये वही ट्रीटमेंट आपको याद करना है, इसमें कुछ अलग से नहीं करना। इनिशियल थेरेपी क्या, बिफोर, अगर आपको ऑर्गेनिज्म नहीं पता तो आप क्या दोगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दोगे, पढ़ के आ चुके, अगर ऑर्गेनिज्म पता होता है तो नैरो स्पेक्ट्रम देते हैं, ठीक है। किसी ने पूछा है सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट, बिल्कुल करा सकते हो। देखो हमेशा मैं चाहता हूं बताई देता हूं, दो टेस्ट होते हैं, सीबीसी एक सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये दोनों नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, ये आपको बॉडी में कुछ भी नहीं बताते कि आपकी बॉडी में आपको क्या बोलते हैं कोई बैक्टीरिया वायरल, ये नहीं बताते, आपकी बॉडी में सिर्फ ये बता देंगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, किससे हो रही है वो आप पता करो, ये आपको ये बस इतना बता देंगे कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अब आप बोलो कैसे, सीबीसी हम जानते हैं, डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएंगे, क्यों बढ़ गए वो आप ढूंढो, लेकिन बॉडी में कुछ भी इंफेक्शन हुआ तो तुरंत डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएगी। लेकिन इससे भी ज्यादा एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है, टेस्ट सीआर, सी रिएक्टिव प्रोटीन, इससे भी ज्यादा रिएक्टिव होता है। बोले ये क्या होता है, हम एक तरीके की प्रोटीन होती है जो लीवर में बनती है, ये नॉर्मल अमाउंट में 0.5 तक हमारे बॉडी में मिल सकती है, 0.5 तक हमारे बॉडी में नॉर्मली मिलती है। पता है कोरोना के पेशेंट में मैंने अपनी आंखों से देखा 200 तक गई है, 0.5 पर 200 तक, और कब देखी, जब 80% लंग इन्फेक्टेड हो चुकी थी तब तब मिलती है। ये नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन होती है, इसका बस एक ही काम है कि अगर बॉडी में कुछ भी इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन या कोई भी फॉरेन कुछ भी हो ये तुरंत बढ़ जाती है, तुरंत रेस कर जाएगी, ये एक साइन है कि बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। ये एक तरीके की प्रोटीन है, ये बहुत ही रिएक्टिव प्रोटीन होती है, जैसी बॉडी में कुछ होता है ये तुरंत अपने आप को रिएक्टिव करके अपनी अमाउंट को बढ़ा लेती है और ये बनती लीवर में, ठीक है। वैसे नॉर्मली तो देखो बॉडी में 0.5 तक ही आपको मिल जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो तो 2-3 तक पहुंच जाती है, कुछ भी हो। कोरोना के पेशेंट में मैंने अपने हाथों से 150-200 कुछ पेशेंट में 150 कुछ में, तो एक में तो मैंने याद है 185 देखा था जिसका लंग मोर देन 75% इन्फेक्टेड था, यानी कितना हाई, 0.5 का और 185 का, ठीक है। तो बिल्कुल सी है, सीआरपी आप किसी में लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे सीबीसी सब में लिख के आ सकते हो ऐसे सीआरपी सब में लिख के आ सकते हो, इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता, ये नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होता है। ट्रीटमेंट में क्या बोले, इनिशियल थेरेपी में अगर ऑर्गेनिज्म नहीं पता है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम दो, अगर पता है तो फिर नैरो स्पेक्ट्रम दो। बच्चों में अब ये याद करनी पड़ेगी, बच्चों में एम्पिसिलिन प्लस एमिनोग्लाइकोसाइड प्लस सेफेलोस्पोरिन दिया जाता है, चिल्ड्रन में वैनकोमाइकोसिन और थर्ड जनरेशन की सेफेलोस्पोरिन, और एडल्ट में भी वैनकोमाइसिन प्लस थर्ड जनरेशन की सेफेलोस्पोरिन दी जाती है, और ऐसे पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी कम है तो उनको वैनकोमाइसिन प्लस एम्पिसिलिन और प्लस सेफेलोस्पोरिन दी जाती है। ये एक बार याद कर लो, यही सीएनएस इन्फेक्शन में सब में यही लिख के आनी होती है, ठीक है। सबकी सब एंटीबायोटिक है, सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, अगर सेकेंड ईयर याद करिए तो सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। स्टेरॉइड्स क्या, स्टेरॉइड्स यानी क्या, स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, अगर देखो ये फिर बोल रहा हूँ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जरूर पढ़ना आपको,
अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मैंने फार्मा में पढ़ाया है वो जाके पढ़ना सेकंड है, भले आपने नहीं पढ़ा, भले आपने पढ़ा हो, क्योंकि आज की डेट में कोरोना में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोना में क्या है, हम पेशेंट को स्टेरॉइड बहुत हाई लेवल पे देते हैं, बहुत ज्यादा, और कब देते हैं जब पेशेंट की कंडीशन मॉडरेट हो, नॉर्मल पे नहीं देते। क्यों नहीं देते, देखो स्टेरॉइड हमारे बॉडी में नॉर्मली बनते हैं, दैट इज ग्लूकोस्टेरॉइड्स। हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन तो हमेशा होता है ना, तो ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी उसे कम करने के लिए सोचती, सोचती है। हमारी बॉडी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं जिनका एक काम इन्फ्लामेशन को कम करना भी होता है, मगर विद इन अ रेंज, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो ग्लूकोकॉर्ट्स की एक प्रॉब्लम है क्या, कि वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को डाउन कर देते हैं, वो इम्यूनोलॉजिकल सप्रेसेंट होते हैं। अगर आपकी बॉडी में नॉर्मल स्टेरॉइड बढ़ जाए ना, तो वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को डाउन कर देते हैं। अब दिक्कत ये आती है कि जब पेशेंट को बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन हो जाता है, जैसे कोविड में कोई भी इन्फेक्शन हो, कितना इन्फ्लामेशन हो जाता है लंग्स में, इसमें पढ़ रहे हो आप मेनिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन, जब वो इन्फ्लामेशन इतना, पैसे तो हम स्टार्टिंग में देते हैं एनसेड्स, यानी नॉन स्टेरॉयडल, वो कौन से होते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं, मगर वो इतना ज्यादा इन्फ्लामेशन कम नहीं कर पाते। जब इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, बियॉन्ड लिमिट हो जाता है, जब लगता है कि भैया पेशेंट की हालत खराब हो रही है, फिर आप उन्हें स्टेरॉइड्स देना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड्स आपकी बॉडी की ही नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, नेचुरल। तो उसे बाहर से, जैसे बहुत कॉमन ड्रग होता है डेक्सोमीथासोन, ये डेक्सो कोविड में भी सब में यही दिया जाता है, डेक्सोमीथासोन दे दिया जाता है। डेक्सोमीथासोन क्या करता है, आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन तो कम कर देता है, मगर इसका बॉडी में एक काम और होता है कि आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है, और कोविड वाले पेशेंट में ऑलरेडी इम्यूनिटी सप्रेस होती है, और उन पेशेंट में जब वो बहुत बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, अगर हम उन्हें स्टेरॉइड्स भी दे देते हैं और थोड़ा बहुत गलत दे दिया, ओवर यूज दे दिया या नई तरीके से दिया, तो इसी वजह से सबसे ज्यादा फंगस का अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट में, फंगस उसका सबसे बड़ा रीजन स्टेरॉइड है, पता है आपको, पेशेंट की डेथ, ये सब कुछ होना, क्यों, क्योंकि स्टेरॉइड्स वैसे ही वायरस आपकी इम्यूनिटी इतनी गिरा देता है, आप स्टेरॉइड्स और ले लेते हैं तो और गिर जाती है, लेकिन आप बोले सर नहीं ले, मजबूरी है, लेनी पड़ जाती है, जब हमें लगता है कुछ नहीं बचा तो फिर इसी से काम चलाना पड़ता है, क्योंकि स्टेरॉइड्स ही हमारे पास आखिरी ऑप्शन बचता है, क्योंकि कभी वह नहीं होता है टॉसिलीजुमैब वगैरह, ये सब नहीं होते, क्योंकि टॉसिलीजुमैब भी इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन कम करता है, टॉसिलीजुमैब का भी काम है, मगर वो नहीं मिल पाते तो स्टेरॉइड्स वगैरह भी हमें देने पड़ जाते हैं, इसीलिए हमें इतने सारा फंगस इन्फेक्शन, तो स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। याद रखना स्टेरॉइड्स आप बहुत ही ऐसी मॉडरेट कंडीशन पे देते हो, मॉडरेट माइंड पे कभी स्टेरॉइड्स नहीं दिए जाते, ठीक है। अगर आप कुछ थेरेपी, अगर आपको पता चल जाए कि वो ऑर्गेनिज्म किससे हो रहा है, जैसे हीमोफेलस, अगर हीमोफेलस की वजह से हो रहा है तो एम्पिसिलिन 2 और थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन, वो सारे सारे ड्रग है, घुमा फिरा के लिखना याद करना है। नीमोकोकस हो रहा है तो है ना बेंजाइन पेरेसिल और थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन, मेनिंगोकोकस है तो बेंजोस्पोरिन थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन, और इकोलाई सब में वही लिखा है थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन, एक बार याद कर लो, लिख देना लिस्टेरिया में एम्पिसिलिन और आइजेंटामाइसिन, और अल्टरनेटिव ड्रग क्या, क्लोरोफेनिकॉल, सेट्रिमजोल, फ्लोरोक्यूरिनोन, तो लास्ट ईयर में सबने सुने होंगे नाम, इंडिया से फ्लोरोक्यूरिनोन कितने सारे गए थे अमेरिका को, ये एंटी मरी क्या बोलते हैं, एंटी मलेरियल दवाई है और इन्फ्लामेशन को भी कम करती है बॉडी में, मालूम है, इसलिए इंडिया से बहुत सारे, डोनाल्ड ट्रंप ने मंगाई थी आपको याद हो तो, बहुत सारी भर के मेडिसिन अमेरिका गई थी, लेकिन फिर बाद में WHO ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि ये कोविड में काम नहीं कर रही है, ठीक है। फ्लोरोक्विनोलोन ऐसी चीजों को बहुत ज्यादा याद रखा करो, अगर आप कोई भी किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ऐसे ही क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। थर्ड जनरेशन से पहले स्कोरिंग का मतलब क्या होता है, सेफ्ट्राइक्सोन ड्रग का नाम, और मैंने ये आपको पता है कि अगर हाइड्रोसेफेलस पड़ा है तो उसमें क्या होता है कि एक, अगर ये आखिरी का ट्रीटमेंट है कि अगर बॉडी में बहुत ज्यादा, अगर क्या हो गया, अंदर इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ गया, CSF बढ़ गया, तो आप उसको कैसे निकालते हो, CSF शंट के थ्रू, क्यों, एक शंट मतलब क्या, एक पाइप होता है, एक तरीके का पाइप है, वो आप अपने उसको ब्रेन में डालते हो वेंट्रिकल्स में, उस और उसका एंड आप निकालते हो किसमें, एब्डोमेन के पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में, इसलिए इसका नाम होता है सेरिब्रो, सेरिब्रो यानी सेरिब्रम से, ब्रेन में डालते हैं स्पाइनो, है ना, वो सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ये तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड है, इसका नाम बता रहा हूँ, इसका नाम होता है बीपी शंट, बीपी शंट, CSF शंट को क्या बोलते हैं, बीपी शंट, याद रखना, CSF शंट तो सेरिब्रोस्पाइनल शंट, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है बीपी शंट, वेंट्रिकल पेरिटोनियल शंट, वेंट्रिकल्स, ब्रेन के वेंट्रिकल्स में डालते हैं और उसको छोड़ देते हैं एब्डोमेन के पेरिटोनियल में, तो वो ब्लड, वो CSF यहाँ से रिलीज हो के यहाँ वो पेरिटोनियम में जाता है, पेरिटोनियम की एब्डोमेन की मेम्ब्रेन उसे एब्जॉर्ब करती रहती है, ठीक है, इस तरीके से एक शंट डाला जाता है। ये प्रॉपर तरीके से और अच्छे से समझना है तो हाइड्रोसेफेरस देखना, क्योंकि हाइड्रोसेफेरस का प्राइमरी ट्रीटमेंट यही होता है, ठीक है।
दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर.